हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न डे वन के जो हैं, और ख़ास तौर से ये रेलवे एनडीपीसी के लिए। आपको जैसे हमने बताया था कि हम रेलवे के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो डे वन की जो जीके की क्लास है, तो सबसे पहले हम जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। पहले हम आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछेंगे, बाद में इन प्रश्नों का आंसर और जिस टॉपिक से ये प्रश्न उठाए गए हैं उस टॉपिक पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं पहला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। यदि फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। यदि इस प्रश्न का आंसर नहीं आता तो आप ये लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए। लास्ट में न केवल हम इस प्रश्न का आंसर बताएंगे बल्कि पूरा डिटेल से आपको इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? 1786 का अधिनियम के द्वारा, 1892 के अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा, 1813 के अधिनियम के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न इस प्रश्न का आंसर है, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। थर्ड प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया? 1784 के अधिनियम के द्वारा, 1892 के अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा और 1786 के अधिनियम के द्वारा। मतलब आपको अपना आंसर देना है। यदि आपको ये प्रश्न आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता तो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लास्ट में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के तहत मूल रूप से लॉर्ड कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मानने के उद्देश्य से, यानी पद स्वीकार करने या पद देने के उद्देश्य से लाया गया था? 1892 का अधिनियम लाया गया था, 1857 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। लास्ट इस वीडियो का फाइनल प्रश्न, काजीरंगा अभयारण्य का मुख्य आकर्षण कौन सा पशु है जिसका घर भी मात्र काजीरंगा ही है? एक कुबड़ वाला बैल, एक सींग वाला गैंडा, बाघ, हाथी। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये 5 प्रश्न थे, 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न जीके के लिए। आपको यदि ये प्रश्न आते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए, थोड़ी देर में हम इन सभी प्रश्नों के आंसर बता देंगे और साथ से डिटेल में उस पूरे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिससे ये प्रश्न उठाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इन प्रश्नों के आंसर। पहला जो प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? तो ये 1786 का अधिनियम है जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया है? यह भी 1786 का अधिनियम है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत मूल रूप से लॉर्ड कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के मामले के उद्देश्य से लाया गया था? तो यह भी 1786 का अधिनियम है। मतलब तीनों जो प्रश्न थे वो 1786 के अधिनियम का था। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, काजीरंगा अभयारण्य का मुख्य आकर्षण कौन सा पशु है जिसका घर भी मात्र काजीरंगा ही है? तो एक सींग वाला गेंडा। तो फ्रेंड्स, 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के आंसर आपने देखे, और 5 प्रश्नों की खासियत ये कि ये 2 टॉपिक से उठाए गए हैं। एक टॉपिक है काजीरंगा और दूसरा जो टॉपिक है 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। तो फ्रेंड्स,
जान लेते हैं विस्तृत रूप से काजीरंगा के बारे में। तो काजीरंगा के बारे में देखिए, जो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा जो है भारत के असम राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय उद्यान है ये। यह लुप्त प्राय भारतीय एक सींग वाले गेंडे का घर है, जिसे राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस भी कहा जाता है। देखो लुप्त प्राय का मतलब यहाँ पर है कि लुप्त होने की कगार पर है, और भारतीय है ये प्रजाति भारतीय, और एक सींग वाला गेंडा। आपको एक पिक दिखा देते हैं जिसमें आप ये देख सकते हो, ये जो पिक है देखिए कितनी सुंदर पिक है ये। ये पिक है एक सींग वाला गेंडा। एक पिक और देखिए, ये रही, ये जो पिक है ये एक सींग वाले गेंडे की पिक है, जो कि पूर्णतः भारतीय है और लुप्त प्राय कहा गया है, तो मतलब ये प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के बाघों में के सर्वाधिक घनत्व के कारण इस अभयारण्य को 2006 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। काजीरंगा की बात कर रहे हैं हम। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विरासत स्थल भी है, यानी यूनेस्को ने अपना विरासत स्थल इसे घोषित किया हुआ है। यह असम के दो जिलों गोलाघाट और नोआगांव के अंतर्गत स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 429.93 वर्ग किलोमीटर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक है, मतलब 36 जो इम्पोर्टेंट स्थल चुने गए उनमें से एक काजीरंगा है। इसे 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1905 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पढ़ा है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा है। अब देखिए 1786 का जो अधिनियम है उसके बारे में, 1786 का जो अधिनियम है एक्ट ऑफ 1786, यह 1786 का जो अधिनियम है पिट ने पारित करवाया था। इस अधिनियम का प्रमुख लॉर्ड कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। मतलब मेन मुख्य उद्देश्य जो था इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य जो था लॉर्ड कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था, यानी प्लेटफॉर्म तैयार करना था, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम के तहत मुख्य प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। मतलब गवर्नर जनरल बनाना था लॉर्ड कार्नवालिस को और उसे शक्तिशाली भी बनाना था, तो जो मुख्य या प्रधान सेनापति की शक्तियाँ थी वह भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। और गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था और लागू भी कर सकता था। मतलब चार इंपॉर्टेंट चीज़ पिट ने लागू किया। लॉर्ड कार्नवालिस के लिए ये अधिनियम आया, सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बना दी, और इतनी पावर थी कि परिषद के निर्णयों को रद्द करके अपने खुद के निर्णय लागू कर सकता था। तो फ्रेंड्स, फटाफट वो 5% फिर देख लीजिए, अब आपको ये ईजी लगेंगे 5%। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है जी। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया? 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत मूल रूप से लॉर्ड कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के मानने के लिए उद्देश्य लाया गया था, मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के लिए? तो वह था 1786 का अधिनियम। और काजीरंगा जो अभयारण्य है उसका मुख्य आकर्षण कौन सा पशु है जिसका ये घर भी है? तो एक सींग वाला गेंडा। तो फ्रेंड्स, ये थे डे वन के जीके के प्रश्न। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर इंडिया जीके आता है, तो सभी इंडिया जीके के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आप अधिकतम जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट eonlinestudy.com पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।